नमस्कार दोस्तों, मेरा इस यूट्यूब चैनल एसके सोनी क्रिएशंस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है सेशन 2021-24 का। तो फॉर्म को कैसे भरें अपने मोबाइल से, मैं आप सभी को फॉर्म भरना बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में बने रहिए अंतिम तक। कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे फॉर्म भराएगा, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट टाइप करना है, vksuonline.in। अब देखिए फ्रेंड्स, इस फर्स्ट वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना। अब इसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है, यूजी एडमिशन फॉर्म पे स्नातक प्रवेश आवेदन। यूजी एडमिशन फॉर्म स्नातक प्रवेश आवेदन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद एक ऐसा नया फेस इंटरफेस दिखाई देगा आपको। अब इसको आपको फिलअप करना है, तो आप अपने अनुसार जो भी आपका बोर्ड वगैरह है सिलेक्ट करके देखिए। आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, 12th पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, 12th पासिंग ईयर किस ईयर आपने पास किया है वो सिलेक्ट करना है। आपको रोल नंबर यहाँ पे और रोल कोड के साथ डालना है। पहले आपको यहाँ पे जैसे रोल कोड लिखा हुआ है, तो रोल कोड डालने के बाद बीच में हाइफन देंगे, उसके बाद रोल नंबर लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे वही चीज़ सेम रोल कोड और रोल नंबर डाल देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे येस आई एग्री टू ए वर्क पे क्लिक करके आपको प्रोसीड कैप्चा डाल के आपको प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक कर देना। तो चलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने बोर्ड और पासिंग ईयर रोल कोड रोल नंबर डाल लिया है। इसी तरह से आपको अपना भी बोर्ड पासिंग ईयर रोल कोड रोल नंबर डाल देना है। देखिए ये रोल कोड और रोल नंबर आपको इस तरह से डालना है जैसे मैंने डाला हुआ है, इसको आप डाल लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करके और येस आई एग्री टू एबव पे क्लिक भर के और यहाँ पे प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आप किस बोर्ड से हैं और किस ईयर पासिंग लिए हैं और आपका रोल कोड और रोल नंबर क्या है, आपको ये दिखाएगा। अब उसके बाद आपको येस प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको इसमें अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी, क्वाटा क्लेम, यानी कि आपको जैसे जनरल में है तो जनरल में 10% का आरक्षण जो लोगों को मिलता है उसका इसमें डालना है। कैटेगरी से अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, या नहीं तो नो ही पे छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपको निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। अब आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है, अगर आप आधार नंबर डाल भी सकते हैं, आधार नंबर नहीं भी डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। अब तो उसके बाद आप यहाँ पे एक देखिए एक्नॉलेजमेंट, जब आधार ऑनलाइन होता है तो एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो उसका भी नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। कोई मैंडेटरी स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है, अगर स्टार मार्क दिया हुआ रहता तो हम डालते, लेकिन इसमें स्टार मार्क नहीं है इसलिए कोई मैंडेटरी कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दे देना है, आपका जो भी एड्रेस होगा कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि आप अभी कहाँ पे रह रहे हैं उसका एड्रेस डालना है। जैसे कि आपका एड्रेस है परमानेंट कहीं और का, अब आप कहीं दूसरे जगह रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं तो उसका एड्रेस डालना है। अगर आप वहीं पे रह रहे हैं परमानेंट एड्रेस कहीं, तो आपको यहाँ पे सेम इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, चालू मोबाइल डालिएगा, OTP वगैरह आएगा इस पर, और आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है
अपने गार्जियन का फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है इसमें डालना। अब आपको यहाँ पे अपना सेकेंडरी मेट्रिकुलेशन चूज करना है, जो मतलब कि आपका टेंथ का सब चीज़ डालना है इसमें। तो चलिए मैं इसको फटाफट भर के आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको भी डालना है। तो मैं आपको भर के सब एक बार में दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना नाम और फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजियन, कैटेगरी भर लिए हैं। ये सब आप भी अपने अपने अनुसार भर लीजिएगा। आप ये बात को ध्यान दीजिएगा कि आपके मार्कशीट यानी 12th के मार्कशीट पे जो भी जो नाम दिया हुआ है, जो स्पेलिंग दिया हुआ है आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर का यानी फादर्स और मदर्स का नेम, वही सेम वर्ड डालना है, सेम मीनिंग डालना है, चेंजिंग मत करिएगा। उसी के अनुसार सारा चीज़ आप अपने भरिएगा। और इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है, तो आप जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं, ओबीसी हैं तो ओबीसी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ओबीसी 2 आता है इनका। और सब कैटेगरी में आपको देख लेना है कि आप इस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं, यानी विजुअली हैंडीकैप, हेयरिंग हैंडीकैप्ड अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करने है। और यहाँ पे कोटा क्लेमेड दिया हुआ है, आपको इसमें से जो में आरक्षण मिलता होगा आप उसको देख लीजिएगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से हैं, बिहार से। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ मांग रहे हैं, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है जाति निवास है तो आप निवास पे जो नंबर दिया हुआ रहता है आप यहाँ पर डाल सकते हैं, तो छोड़ दीजिएगा ऐसे ही। आपके पास आधार है तो आप आधार पर यस करिएगा, नहीं है या फिर नहीं आधार नंबर देना चाहते हैं तो इसको नो कर दीजिएगा। अब इसके बाद अपना एड्रेस यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डाल देना है, तो देखिए मैंने डाल दिया है बिहार रोहतास, और ये एड्रेस हो गया महावीर दिया पालीगढ़ डेहरी फंक्शन। आप अपने अनुसार आपका जो एड्रेस होगा आप वहाँ पर डाल लीजिएगा, और पिन कोड जो होगा सो डाल लीजिएगा पिन कोड यहाँ पे। और उसके बाद अब यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है कि आप अभी कहाँ पर रहते हैं उसका, तो जैसे कि यहाँ पे हम डालते हैं बिहार और डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है इस पे सेम कॉपी इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो जो ऊपर में परमानेंट में एड्रेस है वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस होगा, ये सेम नहीं होगा, परमानेंट वाला नहीं होगा, तो आप दूसरा डाल दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, सकते हैं मैंने अपने मोबाइल नंबर को डाल दिया है, ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिए हैं, सेम ईमेल आईडी आपको इसमें डालना है। यहाँ पे ईमेल आईडी जो डाले हैं आपको यहाँ पे भी री एंटर करना है वेरिफिकेशन के लिए। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपने गार्जियन का फ़ोन नंबर अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा, कोई मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे आपको 10th मार्क्स का डिटेल्स डालना है, आप जो 10th क्लास जिस भी बोर्ड से पास किए हैं उसको डालना है, आप किस साल 10th को पास किए हैं वो डालना है, 10th का रोल नंबर डालना है, और मैक्सिमम मार्क्स कितने का था, 500 का था तो 500 डाल देना है, और कितना मार्क्स आया है वो मार्क्स ऑप्टेंट में डाल देंगे। तो चलिए अपना भर लेते हैं पासिंग। मैंने डाल दिया है पासिंग ईयर, बोर्ड सेलेक्ट कर लिया है बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना, रोल कोड और रोल नंबर इसी तरह से डालना है, हाइफन लगा करके जिससे 12th वाले में डाले थे, मैक्सिमम मार्क्स और कितना आया है मार्क्स वो डाल दिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे 12th का मार्क्स डिटेल्स दिखाएगा, आप किस ईयर 12th पास किए हैं, किस बोर्ड को सिलेक्ट किए हैं, क्या रोल कोड रोल नंबर है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो दे रहा है। अब यहाँ पे आपको
डालना है कि आपका 12th में कितना मार्क्स आया हुआ था, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए डाल देते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो आपको फ़ोटो अपने मोबाइल से ही फ़ोटो क्लिक कर लेना है आपका पासपोर्ट साइज़ को फ़ोटो का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 KB दिया हुआ है। आप अगर मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं तो आपको 20 KB से ज़्यादा आता है, तो उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, उसका कैसे साइज़ घटाएंगे, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूँगा। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, क्यू रिड्यूसर एप्लीकेशन का नाम है, तो उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। तो चलिए गूगल प्ले स्टोर पे चलते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे आ गए हैं। आपको यहाँ पे टाइप करना है क्यू रिड्यूसर, इसको पे क्लिक कर देना है और इसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए यहाँ पे ओपन लिख रहा है। इस पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पे अपने फ़ोटो को चूज कर लेना है, जहाँ पे आपका फ़ोटो है आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं फ़ोटो अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना KB में है, 23.21 KB में है, और आपके तो चाहिए 20 KB से नीचे। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है 18 KB, यानी कि 20 KB से कम बोल रहा है। तो 18 KB में कर सकते हैं, तो इसको 18 KB में सेव कर लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये कंप्रेस्ड होके 16.73 KB में सेव हो चुका है। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे गैलरी खोल देंगे। देखिए आपका ये सेव हो चुका है फ़ोटो गैलरी में। देखिए आपको यहाँ पे लगभग 17 KB का दिखा रहा है, तो इतना चलेगा। अब उसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर भी यहाँ पे चूज कर लेना है। अब आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर ला लेना है। सिग्नेचर चलिए लाते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सिग्नेचर कितने KB में है, 47 KB में है। तो इसको आपको 20 KB से नीचे करना है, तो इसको भी हम 18 KB में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ स्टार्ट पर क्लिक कर लेते हैं और ये सेव्ड पे क्लिक करते हैं और फ़ोटो में देख लेते हैं कितना KB का हुआ है सिग्नेचर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी 17 KB में हो चुका है कन्वर्ट। तो चलिए इसको डन कर लेते हैं। अब चलते हैं हम अपने VKSU के पोर्टल पे, वहाँ पे सिग्नेचर और फ़ोटो को अपलोड करके देख लेते हैं। इस पोर्टल पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है जो आपने रिड्यूस किया है एप्लीकेशन के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको ब्राउज पे क्लिक करना है और अपना यहाँ से फ़ोटो पिक कर लेना है, जहाँ पे भी आपका फ़ोटो सेव है। तो देखिए फर्स्ट में ही यहाँ पे आपको फ़ोटो दिख गया है, 17.24 KB में दिखा रहा है। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं फ़ोटो को। अब इसके बाद आपको अपना यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देना है। इस सिग्नेचर को अब देखिए, फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ही अपलोड हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे यहाँ यस आई एग्री टू एवो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। आपको अगर कैप्चा नहीं समझ में आ रहा है तो आपको रिफ्रेश बटन पे क्लिक करके रिफ्रेश करके कोई दूसरा कैप्चा मंगा सकते हैं। चलिए क्लिक करके दूसरा मंगाते हैं। अब ये देखिए सिंपल वाला कैप्चा आ गया है, अब इसको फिल कर लेंगे। देखिए कैप्चा फिल हो गया है। अब यहाँ पे सेव रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। आप चाहें तो एक बार इसको फिर से मिला सकते हैं कि मेरा जो डिटेल्स भरा हुआ है वो सही है कि नहीं। आप भरने के बाद इसको एक बार फिर से मिला लीजिएगा, उसके बाद सेव एंड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिएगा। तो चलिए क्लिक करते हैं।
अब देखिए प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सक्सेसफुल, यानी कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे मैसेज में ही आ गया है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये है आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड आपको यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, आपका जो पासवर्ड है मोबाइल पे भेजा गया होगा या आपने जो इसमें ईमेल आईडी डाला था उस पे गया हुआ है, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे अब क्लिक करिएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्लिक हियर टू लॉग इन एंड कंटिन्यू, तो आपको लॉग इन करना होगा। तो फर्स्ट सबसे पहले आप अपना मैसेज बॉक्स चेक कर लीजिएगा, उस पर लॉग इन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना मार्क्स डिटेल्स वगैरह डालना है। यहाँ पे देखिए आपका नाम शो कर देगा आप जिस नाम से फॉर्म भर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि कर लेना है कि आप ट्वेल्थ में किस सब्जेक्ट से थे, आर्ट्स से थे तो आर्ट्स सेलेक्ट कर लेना है, कॉमर्स से थे तो कॉमर्स सेलेक्ट कर लेना है, साइंस से थे तो साइंस सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए ये आर्ट्स से थे तो आर्ट्स सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देना है आपका ट्वेल्थ में कितना मार्क्स आया हुआ था वो डालना है, तो चलिए डाल देते हैं। इसके बाद आपका ट्वेल्थ कितने टोटल कितने मार्क्स रखा था, 500 का था, 500 डाल दिए। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपने सब्जेक्ट और मैक्सिमम मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स, यानी कि आपको अपने ट्वेल्थ का मार्कशीट से देखना है कि उसमें सब्जेक्ट वाइज कितना किसमें मार्क्स आया हुआ है, तो उसको भरना है इसमें। अब आपको यहाँ पे अपना मार्क्स चूज करना है किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया हुआ था, तो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स वगैरह सब भर लिए हैं, उसी प्रकार आपको जो भी सब्जेक्ट होगा इसमें डाल लीजिएगा सारा। और अगर आपका कोई ऑप्शन सब्जेक्ट होगा तो आपको इसको यहाँ पे भरना है और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको शो कर देगा और आपका जो भी नंबर मार्कशीट में आया हुआ है इस पर भर देना है। अब उसके बाद नीचे आना है, आपको ग्रेस मार्क अगर मिला हुआ है, ग्रेस मार्क वो है ऑप्टन मार्क अगर आपके पास है, अगर आप मान लीजिए कि एक नंबर या दो नंबर से फेल हो रहे हैं तो बिहार स्कूल बिहार बोर्ड ने आपको एक या दो नंबर आपको दे दिया है ग्रेस मार्क पास करने के लिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कितना मार्क आया हुआ है, इनका कुछ नहीं है ग्रेस मार्क में। अब यहाँ पे आपको इस पे सेव एंड कंटिन्यू टू चूज कॉलेज सब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। आप ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पे लिख रहा है कि कैंडिडेट को 6 सब्जेक्ट BSEB में चूज कर लेना है, यानी कि 6 कॉलेज 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं आप, तो आप क्लिक करते हैं इस पे। अब देखिए इसके बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किस ऑनर्स सब्जेक्ट से एडमिशन लेना चाहते हैं,
आप उसको भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप किससे ऑनर्स करना चाहते हैं, लाइक हिस्ट्री से कर सकते हैं, इंग्लिश से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से, जो भी इसमें दिखा रहे हैं आप उस सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो इनको हिस्ट्री ऑनर्स करना है तो हिस्ट्री ऑनर्स कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज कर लेना है, सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री की है तो हिस्ट्री यहाँ शो कर देगा, अगर नहीं आएगा तो आप यहाँ से चेंज कर भी कर सकते हैं। अब आपको किस डिस्ट्रिक्ट में लेना है एडमिशन उसको चूज कर लेना है, और किस कॉलेज में लेना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं रोहतास। आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसको यहाँ पे हम लोग चूज कर लेते हैं। तो चलिए इस फटाफट चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करिएगा तो आपका नीचे कॉलेज और सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। देखिए कम से कम आपको 6 ले लेना है। चलिए फिर से फटाफट 6 जल्दी से ऐड कर लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 कॉलेज सेलेक्ट कर लिए हैं। मैंने अभी 4 ही कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, आप चाहें तो इसको 6 कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मान लीजिए आपको चेंज करना है तो आप रिमूव करके और फिर से दूसरा कोई ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अपना कॉलेज जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता होगा, जो भी आपके नियरेस्ट होगा, वो आप यहाँ से चूज करके एडमिशन उसमें ले सकते हैं। अब इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे 300 रुपये का पेमेंट करना है, जो कि आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे गया होगा। चलिए उसको खोल के देख लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे ईमेल वीर कुंवर सिंह के द्वारा नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे स्पैम वाला में जाना है, ऑप्शन में यहाँ पे इस पर क्लिक करिएगा, आपको वीर कुंवर सिंह का दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से एक आया हुआ है ईमेल, इस पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा। आप इस पासवर्ड को वहाँ पे डाल के लॉग इन कर लेंगे, मैंने उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे। चलिए क्लिक करते हैं। अब आप पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको चालान और कैश पेमेंट भी कर सकते हैं, चालान निकाल करके यहाँ पे कैश पे क्लिक करिएगा तो आपको एक चालान जनरेट पे क्लिक करना होगा, आपका चालान जनरेट हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग डेबिट कार्ड से ही पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, यूपीआई है, आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई नंबर फोन पे या गूगल पे पे जो यूपीआई जनरेट होता है उसको डाल करके यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे यूपीआई नंबर डालना होगा। डेबिट कार्ड पे करते हैं तो आप अपना यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर डाल करके उस पेमेंट को पेमेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद प्रोसीड नाउ पे क्लिक करिएगा। अब देखिए अब यहाँ पे आपको अपना यहाँ जो कार्ड पे नंबर होगा उसको डाल देना है, सॉरी कार्ड नेम डाल देना है, कार्ड नंबर डाल देना है, एक्सपायरी मंथ डाल देना है और एक्सपायरी ईयर, और जो कार्ड के पीछे 3 नंबर का जो कार्ड CVV कोड होता है उसको डाल के आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा, आपका 300 रुपये पेमेंट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको इतना बता दिया कि कैसे करना है, आप यहाँ पे इसको सारा फिल करके कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको बताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया था। अब आपको उस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है पेमेंट करने के बाद, चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, आपको गूगल फिर से ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है VKSU ऑनलाइन। अब यहाँ वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा पे क्लिक कर देना है।
अब देखिए आपको यहाँ पे लॉगिन ऑलरेडी दिखा रहा है, अगर आपका लॉगिन नहीं होगा तो आप, मैं आपको लॉग आउट करके दिखा देता हूँ कैसे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन अभी यानी कि ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ अपना यूजर आईडी डालना है जो कि आपके मेल आईडी या फिर मैसेज बॉक्स में गया हुआ है, तो चलिए उसको डाल के लॉगिन करते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। अब यहाँ पे अपने इस व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ फ्रेंड्स देखिए लिख रहा है कि प्लीज़ पे फॉर द एप्लीकेशन फर्स्ट, यानी कि आपको सबसे पहले पेमेंट करना होगा तो ही एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। तो आप, मैंने जैसे जिस स्टेप से बताया है अगर आप वैसे कर लीजिएगा, कार्ड नंबर डाल करके पेमेंट कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे बिल्कुल शो कर देगा। अगर माय बाई चांस मान लीजिए कि आप उस समय पेमेंट नहीं कर किए हुए हैं तो आप छोड़ सकते हैं, बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। आपको इसी तरह से लॉगिन कर लेना है इस पेज को और यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट करने का एक एप्लीकेशन देगा, यहाँ पे दे रहा है रजिस्ट्रेशन फी भुगतान करने के लिए, यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे देख लेना है कि पेमेंट करने के लिए कह रहा है 300 रुपया, फिर उसी तरह से आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो दूसरे में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।